दुआ बराए तनजीले नूर हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा कुल लवली कल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहि सलाम सलावातुका अलैहि व आला आबाई फी हाज़िहि सौत व फी कुल सौत वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम वाइल हता तुस्तनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तियहु फीहा तवीला या रब मोहम्मद इन वाले मोहम्मद व अजिल फ़रज रब सल अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अजमत ख़ानदान सैदा बा आवाज़ बुलंद सलवात तिलावत इमाम शशम फरमेंदन जड़ा बंदा साड़ी जात ते बुलंद आवाज नाल दरूद पड़े उस मोमन दे रिज़्क़ च कदी कमी नहीं आ सकती बुलंद सलवात तिलावत जितने बीमारों की शिफा याबी वास्ते दुआ की गई है खसूसन हाजी मोहम्मद अफजल साहेब हाजी इकरामुल्ला साहेब वसीम भाई द बेटे मोहम्मद हमजा और जितने बुजुर्ग मजलिस अदाज तशरीफ फरमा ने बीमारों की सेहत याबी वास्ते एक सलवात बुलंद इजाजत है मैं अपनी नौकरी का आगाज करा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات اشرف ال الانبیاء والمرسلین بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت नारे रिसालत या रसूल अल्लाह जिन्हां दा इमाम अली ए हथ उच्चा करो अलम नू सलाम करो जुर्रत नाल बोलो हैदरी या अली अलैहि सलातो सलाम इजाजत है जी नौकरी दा आगाज़ कीता जाए वाजिबुल इज्जत वाजिबुल एहतराम आज़ादाराने मज़लूम करबला शिया सुन्नी अहबाब इलाके दे मुअज़्ज़ज़ीन तशरीफ फरमाओ पहली सतर बगैर किसी तौज़ी दे जनाब दे ज़हना दे हवाले कर रहे हैं कि हुसैन ने जिक्र खुदा को आला बना दिया। कितना करीम है हुसैन। अगर इन दिनों में भी यह सत्र की समझ नहीं आनी तो पूरा साल नहीं आनी बंदे सवाल कर दें कितना करीम है हुसैन केड़ा वड्डा मौजूद नुमाए हुसैन मेरी ताकत नहीं मेरी जरूरत नहीं मैं बतूल दलाल की फजीलत बयान करा मगर यह खैरात लफ्ज़ दी करबला आलिया दी अता है। हुसैन ने जिक्र खुदा को भूल गए हो आला बना दिया। तवज्जो मजलिस च रखो तो लुत्फ़ फिर सुन लो। हुसैन ने जिक्र खुदा को
आला बना दिया। शिया सुन्नी ना बोले ते कौन बोले, बेनाम थी करबला उसे मौला बना दिया। सुभान अल्लाह, मेहरबानी जी, मेहरबानी। फिर सुन लो, हुसैन ने जिक्र खुदा को आला बना दिया, बेनाम थी करबला उसे। एक सेकंड में रुक गया। वसीम भाई जी, नदीम भाई जी, मालिक ए नगरी हमेशा तुहाडे नाल आबादोशाद रहे, मालिक तुहाडी तौफीकात च इजाफा फरमावे, मालिक तुहाडियां बजुर्गां दा साया सर ते सलामत रखे। बंदे सवाल करदे न, कौन है हुसैन? अगली सत्र ते बोल ना भी सके, नारा ना भी ला सके, हाथ ना भी चा सके, चेहरे ते इतनी मुस्कुराहट ले आवी मैंने पता लगे हुसैन दा नौकर फजीलत हुसैन सुन के फजाइल खुश हो गया। इस तो वड्डे लफ्ज मेरे कोल नहीं। हुसैन ने जिक्र खुदा को आला बना दिया, बेनाम थी करबला उसे मुअल्ला बना दिया। ओ सोचो कितना पाकीजा है खून हुसैन, जब खाक पे गिरा तो उसे खाके जिंदा हो। मातमी का हाथ ऊंचा होवे, अलम नु सलाम होवे, बोलो फजीलत हुसैन है सही के। सोचो कितना पाकीजा है खून हुसैन सही। मेहरबानी जी, जब खाक पे गिरा तो उसे खाके एडा करीम है। बिस्मिल्लाह, आओ एडा करीम है हुसैन, जिस मिट्टी नाल भी जहान नू शिफा वंडी है उस करीम दा नाम हुसैन है। कसीदे दा कल भी आख्या गया, नहीं पढ़ सकिया कसीदा। वैसे एक कसीदा है चार पांच कसीदे बराबर, तो वह मेरा दिल लेके आज पढ़ दई। वो चार पांच शेर ने और मैं गदीर पढ़न लगा। पिछला महीना ज़िलहज दा ही 17, 18, 19 ज़िलहज, तुसी मौला दी अजमत सुनी, वाकयात पढ़िया, बच्चों भी याद ने। और इस सत्र से कोई वक्री अता है शाम अली मलका दी, बाय सत्र से कोई वंडी, चूंकि मेरा इलाका है, मेरा घर है, पिंड मक्को होवे, नबी शाह होवे, भुलवाल होवे, साडी मिट्टी है। और मैं तुहाडे मिजाज तो वाकिफ हाँ, एक अदब की धरती है, मलक फखर साहब अदब सुनते हैं और यकीन ने दुआ कर दे सन। सरकारे मुहम्मद मुस्तफा आखिरी हाई तो फारिग होकर शहजाद गदीर के मकाम पर पहुंचे, इतों शुरू कर रहे हैं। जेड़े हाजी अगे टुर गए उन्होंने पिछे सदया गया, जेड़े पिछे रह गए उन्होंने नाल मिलाया गया। अल्लाह के नबी गदीर के मकाम पर 1.25 लाख हाजियों का मजमा साया है कोई ना? साया नहीं है साई, जेड़ा साया आई वह भी बतूल दे बाबे खत्म करा दिता। अल्लाह जबरील नू भेजिया, वो जड़ियाँ गल्लां खालक कैनात जबरील नू भेज के अपने हबीब नाल कीतियां, वह कसीदा। जड़ियाँ फिर अल्लाह दे नबी गल्लां 1.25 लाख हाजियां नाल कीतियां, वह भी कसीदा। और फिर जड़ा नबी ऐलान किया, नतीजा किया, वह सारा इसे कसीदे च। अगर इजाजत होवे तो पढ़िए जनाब। मलकूत झूमते हैं सनाए अमीर में, सनाए अमीर में आए है सब रसूल भी जिक्र गदीर में। मलकूत ए आगाज है, इब्तदाए ए ते बड़ी दुआ की थी जे। अगे लफ सुन दे आओ, मैं सतर पढ़िए कि मलकूत झूमते हैं, मलाइका की गल हो रही है, सनाए अमीर में आए हैं सब रसूल भी जिक्रे। असी कल्ले नहीं बैठे, असी कल्ले नहीं बैठे, आए हैं सब रसूल भी जिक्रे गदीर में। मैं पहली सतर पढ़ रहा, मैं लंबी तौज़ी नहीं कर रहा, मैं हर रोज़ आदा भी मैंने गर्मी की शिद्दत का एहसास है, तुहाडा इम्तिहान है ही नहीं, इम्तिहान लेने नहीं। अज़ादार जितना सौखा हो के फजाइल सुनन उतना फजाइल ते सलाम। सरकारे मुहम्मद मुस्तफा गदीर के मकाम ते आके सारे हाजियों ने इकट्ठिया किया, अल्लाह फौरन जबरील ने भेजा, जबरील जी रब्बे जलील बन मेरे हबीब नु आख, अल्लाह प्या दी केड़ी गल है, मूजबे दारैन मेरी जान इधर रुक। मेराज पे करार के मेहमान इधर रुक, मेराज पे करार के मेहमान इधर रुक, मेराज पे करार के मेहमान इधर रुक, ताशर मेरी जात की बुरहान इधर रुक। अल्लाह फरमा रहे हैं इस्लाम को फिर चाहिए इमरान इधर रुक, जो काम कभी मैंने कहा उसकी सदा दे, हाथ मेरा हाथ में और सबको दिखा दे। शाबाश शाबाश, अली आला बोले हैदरी, बड़ी मेरे
मेहरबानी जनाब, क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब। यदुल्ला दी गल हो रही है, यदुल्ला दी गल हो रही है। जो काम कभी मैंने कहा उसकी सदा दे, ले हाथ मेरा हाथ में और सबको बोलो 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 बोलो। अच्छा फिर जिस वे इंजन कर दियो ना इंजन, उस वेले फिर लुत्फ नहीं आता। हाँ जी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। चार पांच शेर ने इस कसीदे दे, मगर इस शेर का बड़ा ही लुत्फ है भाई साहब नदीम भाई, इस सत्र का बड़ा ही लुत्फ है। अल्लाह का पैगाम पहुँच गया, अल्लाह के नबी सारे हाजियां नू रोक भी लिया, बतूल दे बाबे ऐलान कर दिता पलाणियां दा मेंबर बनाओ, सारा कसीदा भुल जावे मेरी सत्तर ना भुलिया है, अदब दे मोती ने वसूल करया है। चलो मैं यही दस देना, अल्लाह दे नबी आर्डर कीता पलाणियां दा मेंबर बनया ते होया क्या, अल्लाह हरे वो दश्त में पालान का मेंबर। मेंबर था मगर तख्त सुलेमान से बरतर, मिंबर पे दमकने लगे जब हैदर सरवर, कुछ लोग ये कहते थे कि अब बांध लो बिस्तर, सरगोशियां करते थे जब मात हुई है, जिस बात से डरते थे वही बात हुई। हाथ ऊंचा है जरी, मेहरबानी मेहरबानी तैमूर भाई, है जरी। सरगोशियां करते थे पाड़े हाथ सलामत रहन, अजब मात हुई है जिस बात से डरते थे वही। आगे सफर करिए जी, पलाणियां दा मेंबर बन गया, हाजी सोच रहे बतूल दे बाबे थे खड़ा कर दिता, साया है कोई ना, गर्मी दी भी शिद्दत है, पलाणियां दा मेंबर भी बन गए, पता नहीं हुण अल्लाह दे नबी करना क्या है। नबी मेंबर ते आके पया दिन है, हम दूसरी जात की जो जात जली है, जिस जात की निस्बत से मेरी जात भली है। ठहरो 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 ठहरो, एक सवाल होया, उन्होंने आख्या अल्लाह दे नबी इत्थे इत्थे रोकण दी कोई वजह है? पीर शौकी शाह जी रोकण दी वजह पूछी गई, दसो क्यों रुकिया, लफज रुकण जहन च रखो, क्यों रुकिया क्यों रुकिया? तो नबी फरमा रहे हैं, हम दूसरी जात की जो जात जली है, जिस जात की निस्बत से मेरी जात भली है, जिस जात की निस्बत से मेरी जात भली है, जो आलम इमकां से भी पहले कवली है। अच्छा फिर, जिस जात का घर मूजब तंजील अली है, उस जात का पैगाम सुनाने को रुका हूँ, तुम सबको मैं दोजख से बचाने को रुका। अली वारिस हैदरी, हैदरी नबी फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाह जनाब, अरे हम तो खुद तक पहुँच जाएंगे, मौला अली बादशाह के दुश्मन पे बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। अगे शेर पढ़िए, नतीजा 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 दे देने। अच्छा जाकरी विच कुछ गल्लां ऐसी होंदियां जिन्हां दा तल्लक जाकर नूं वेखण नाल होंदा, वेखिए तो लुत्फ जरा ज्यादा होंदा, दाद भी फिर ज्यादा मिल जाती है। त्रै शेर मैं पढ़ चुकिया, चौथा सुनो जरा, मैंने वेख्या है क्योंकि जाकरी कुछ गल्लां ऐसी जिन्हां दा तल्लक इशारे नाल, इशारा समझो तो मैं फजाइल दा सलाम कर रहा। हुण बंदे सोच रहे मैंने वेखना है, मैंने वेखने तो लुत्फा सी, उन्हें आख्या पता नहीं अल्लाह दे नबी आखना क्या है। नबी पलाणियां दा मेंबर बना ले, सारे हाजियों भी इकट्ठिया कर ले, हुण अल्लाह दे नबी मेंबर ते भी आ गए, पता नहीं बतूल दे बाबे आखना क्या है। नबी मेंबर ते आके एक पासे हाथ दा इशारा करके पया दे, नए आलमे मकान के सुल्तान धर, अली अला
तो बोले ना, दूजे नु छुट्टी है, जेड़ा अली दा नौकर है ओ तो बोले बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं नतीजा देन लगा, अली दे नौकर तो दुआ लेन लगा, अल्लाह दे नबी हाथ दा इशारा करके पया दे ने आलम इमकान के सुल्तान इधर आ, सतर दी दुआ चाहिए, कुरान से भी कबल के कुरान धरा, सरदार जहां सूरे रहमान धरा, नबी फरमा रहे ऐ आदम हव्वा के निकाह खाने धरा, जो मसला दर पेश है वो हल नहीं होता, बिन तेरे ये इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। हाय मेहरबानी मुर्शिद, मेहरबानी मुर्शिद, मेहरबानी सैयद, मौला तो रिज़्क़ की इज़ाफ़ा फरमा रहे, रसूल फरमा रहे जो मसाला दर पेश है वो हल नहीं होता। दोबारा पढ़ दिए, दोबारा पढ़ देने असाई, दोबारा पढ़ देने ते इंज कौन ना पढ़े, आलम मकान के सुल्तान धरा, कुरान से भी कबल के कुरान धरा, ओ सरदार जहां सूरे रहमान धरा, हवा के निकाह खाने धरा, जो मसला बिन तेरे ये इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। तबीयत लगी है जी, एक कसीदा मैं गाजी जमातमी दे हुक्म दी तामील कर रहे हैं, वो कल भी मैंने इतों फेरावा आख्या तो मैं नहीं पढ़ सके, आज तामील कर दें, पिछले चूंकि एक अद्धा दिन फजाइल दा रह गया, तो तुहाडी दुआ दा सदके ही असी इमाम हुसैन दे मिंबर ते खड़े हैं। सफीन दा मैदान, मौला अली अलैहि सलाम फरमाया कि सफीन दे मैदान च मेरा केड़ा पुत्र हमला कर सी, सफीन दा मैदान बादशाह अली अलैहि सलाम फरमाया कि मेरा भूल गया भूल गया भूल गया केड़ा पुत्र हमला कर सी। लो जी लुत्फ आवे तो दुआ करे, सरकार हसन आख्या बाबा मैं, अली फरमाया नहीं, सरकार हुसैन आख्या बाबा मैं लड़ा, कितनी कुदाद पिंड मक्को च मैं दे सकते हो, अली आदन नहीं दोए भेरा प्यो दे पैर नप के आदन लड़ सी कौन, अली मुस्कुरा के आदन तुसी सुनिया नहीं, मैं अपने पुत्र दी गल कीती है, तुसी तो बादशाह मुहम्मद दे पुत्र हो, बादशाह फरमाया तुसी बादशाह मुहम्मद दे पुत्र हो। अजे गल कर रहे इन कदमा ते दो हाथ वेख्या ते हजरत अब्बास, 11 साल तारीख सिन लिखे हजरत अब्बास दा, किसे 13 भी लिखे मगर ज्यादा 11 साल लिखे, वो हजरत अब्बास दिठा बाबे ने अली दिठा पुत्र नू, इतने के जुमला मैं पढ़न लगा जो उद्दे जितनी दाद मैं सोच के खड़ा, दुआ मिल गई ठीक है, नहीं तो फिर एक मिसाल देसा जवार साजा साहब, फिर यकीनन उद्दे बाद दुआ मिल जासी। अली अब्बास नू डिठा, अब्बास नू डिठा, गाजी को जा खड़े ही बाबा तुसी आखो तो मैं लड़ा, नहीं 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 बाबा तुसी आखो तो मैं, एक मिसाल देन लगा, इतों मजलिस चो कोई बंदा उठे, जरा सफीन की फौज भी देन च रखे है, तो 11 साल का सिन भी देन च रखे है, उत्थे अगले चौक चाई साहब को बंदा वह रस्ता रोक के तो पिछे आवे, इतने इतने आके साम दसे ना भाई यार मैं उठो उठा, मेरी किसी नाल पुरानी कोई लड़ाई झगड़ा कोई रौला ही, तो मैंने उत्थे बंदियां डके है, तो मैं पिछे आया, इतों जो देखो दो चार सज्जन सन वो आखन चल चलिए, चल वे दिया कौन है, उतो कोई बंदा गेट चो भजदा आए तो उन्होंने आखे भाई कि आखन भाई ये नाल कोई लड़ाई झगड़ा है, तो उत्थे चले तो आखे भाई तुम पांच हो तो दान, हुण पता मैन भी है बई तुसी की करना है। फिर एक बहाना, जी मैं रोटी खानी है, मेरा जी फलां काम आई, तू कल्ले ही जा रहे उस जाने जी दी लड़ाई है, तो जिस बंदे सिर हिलाया ही कदी तो सोच, सफीन दा मैदान है लखां दी फौज है, 11 साल दा गाजी प्यो दे पैरां ते हथ रख के आदा, तुसी आखो तो मैं जावां, ए अली दे पुत्रां दा हौसला है साईं। बादशाह हजरत अब्बास दा मुंह चुम के फरमांदे चलो आख मैं देना,
इजाजत मैं देना, मगर इतने लड़ी इंज वेखन वालियां पता ना लगे। बाबा हुक्म करो, फरमाया पता ना लगे अब्बास है या बाबा तुहाडा हुक्म है। मालिक अशर इमाम हुसैन हसन अली अलैहि सलाम फरमाया गाजी नू जिंदगी दा बस मुका दी गल। जिंदगी दे पहले हमले वास्ते जंग दा लिबास पा के उम्मल बनीन दा लाल घोड़े दी जीन ते सवार बाबे अली दा सलाम, हसन हुसैन दा सलाम, अब्बास दा घोड़ा टुरिया जिहड़े मातमियो दा सर चवे। इमाम हुसैन भिरा दे रहवार नाल चंद कदम टुरे ते जिहड़ा दूजे पासे लश्कर आई, ओह बंदे खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? उन्हें आखिया बई असीं सुणिया ढेर सारे अली दे पुत्तर कल्ला गाजी। गल ही कोई नहीं, एडे वे वे फाइटर पहलवान जंग जू एस ए साडे लश्कर चो नहीं, उन्होंने पेड़ी लैन खड़िया करना। एक बंदे बड़ी उच्ची आवाज न बोल के क्यों सकया, गाजी तो असा लड़न ही नहीं ना देना। उस गल की इमाम हुसैन सुनी चेहरे ते बाबे का जलाल जरा गाजी का चेहरा वे के फिरा का तारुफ करवाया। पढ़िए सदर जी, मेरा अलमा वाला वीरे कल भी नहीं हुक्म की तमील की थी, आज हुक्म की तमील करना जरूरी आई। सारा पढ़ दे, सारा पढ़ दें। अच्छा, हजरत अब्बास कीता हमला, ए शेर छड्डू गई हूँ बाबा जी आखे थे पढ़ते हैं। हमला इंज होया बई बंदे वेदे सज्जे आए ते भजदे, इंज हजरत अब्बास की तलवार चली ते सिर हवा च उड़ रहे, लुत्फ लवे शेर हवा च उड़न ते जेड़े बंदे गाजी दे हमले तो दूर हैं उन्होंने दूजे आख्या भज्जो अली है, उन्होंने आख्या नसो अली, उन्होंने आख्या भज्जो अली है, सफीन दे मैदान में भज्जो नसो दियां सदावां। उम्मल बनी दलाल तलवार दा इशारा करके आदे अज भज्जन न दे सा तुआ कूना हो सरकारे अब्बास कीता हमला ते फौजां च भगदड़ मच गई। और सफीन दी तारीख पढ़ के वेखो भाई सरकारे, बिस्मिल्लाह जी मौला तुहाडे रिज़्क च इज़ाफ़ा फरमावे। इत्थे बह जाओ, अगला शेर अजे है, मुड़ ना देनी पवे, बह जाओ। सरकारे अब्बास कीता हमला ते हमला इंज हो गया, वह मैं उंज ही आख्या भाई इतना पिछे टुर के जा सना, इत्थे बह जान फिर मजलिस दा परेशान नहीं होना। सफीन की तारीख पढ़ के वेखो बई हजरत अब्बास के हमले ते, पहले हमला जदों उम्मल बनीन दे लाल कीते ओ थे, किसे बंदे नहीं आख्या जी अब्बास है, उन्हें आख्या अली है। फिर कुछ बंदे ना विच ऐसे होंदे ने बई उन्होंने मार खाने की बड़ी जल्दी आती, उस आख्या मैं गल करदा। एक बंदा काफले चुटिया, उसको 15-20 फौजी नार रलाए, उस आख्या एक अली का पुत्र है, साढ़े को एड्डी फौज है, इतनिया तलवारा इतने तीर, उस आख्या चलो उस नार रलाए। हजरत अब्बास के सामने आया, इन सीना इन चौड़ा कीता ते गाजी नकाब हटाया ते इंज हो गए। मौला दिन बोल
गल कर कमदा पे गाजी आदन की आखना ही बड़ी मुश्किल ना आते जी मैं कुछ नहीं आखना जे पिछे खलोते ने ना कुछ आखना गाजी आदन पिछे वे तेरे पिछे ते है ही कोई ना इन डिठा ते फौजी नस गए आदे मिन प्यादियां ने लश्कर ढेरे तुसी कर लियो लश्कर ढेरे तुसी हकल लियो उम्मल मबीन दलाल एदे सीने ते तलवार रख के प्यादा है भावे जितना लश्कर होवे मैं कर दे सफीना ये हाथ सलामत रहे दलील दलील फजाइल खत्म है दरी गाजी प्यादे ने भावे जितना लश्कर होवे मैं कर दे सफीना आदा पिया वकील शबीर ते ज़ैनब दा मैं क्या आखे वकील शबीर बोलो 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 ज़ैनब दा ते जड़ा टुर कूफे दा पिया ओ बहु देर अब्बास भने जियां दे रुखसार जुमे फिर आख देना आद पिया जड़ा प्यो ते पुत्र थी ओ ले गए ते आ भेण दे खेमे गया गल ला के भेण रुकैया नू बहु चिर ताई रोंदा मैं कदी भी ना पढ़दा भेरा रोकिया तो मैं हिक बंदा इदा फकरा बजुर्ग ज़ाकरीन पढ़ते होंगे तू मकतूला दे बाद मरण दे ते नहीं हो या अखियां बंदे ओ एक मुस्लिम पुत्र अकील दे दूजा सहारा दा फरे शिया बंदे दा हक मातम दा सीने दे आवे आदा पिया हिक दिया धिया फिर दुआ कर रहे मेरे अल्लाह बेटे साडा मुहम्मद हमजा उसने शिफाए कुली अता फरमा बंदियां बड़ा मारिया हुसैन दे वकील नूं बड़ा मारिया क्योंकि साल दे बाद दे दिन आंदे ते कोशिश कीती करो लाहौर अली मलका नूं परसा दिता करो यकीनन परदे चब्बास दी भेण रुकैया मौजूद हो सी मेरा अकीदा सी जिथे दुख पड़े जावन दी जोड़ी दे औरे दे वारस दे तो बीबी मौजूद होंदी सी 28 रजब शबीर तो मदीना छुटिया 8 ज़िलहज शबीर मथे आराम खोले हुसैन को यो जी जा लभदे पैन जितने तई ज़ैनब मेरे नाल इहदा परदा बच जा और एक दिन शबीर भैन दे खेमे दे बाहर आके एडा रुना जो तड़प गई अली दी थी ते अंदरों हौले हौले वहन आया हुसैन रोंदा क्यों है तेरे रोवण वास्ते तो मैं माँ दी कबर छोड़ आई हाँ फरमाया मैं मौत दे डर तो नहीं रोंदा मैं रोंदा इस वास्ते हाँ मेरे नाने नाल एक बाबा होंदा उनकी कायनात ते थक नहीं हो रहा तेरा इम्तिहान नहीं ले रहा बस हुसैन दे वकील दा एक दुख पढ़ना चाह
ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਜਵਾਨ ਜਲਾਲ ਚ ਆ ਗਏ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਸੀ ਮੱਕਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਸੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਦੂਜਾ ਅਬਾਸ ਤੀਜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੱਜਾ ਮਾਤਮੀ ਦੀ ਮਨਹਾਇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜ ਮਦੀਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸ਼ਾਦ ਕੂਫੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਵੈ ਸੰਦੋ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ ਬੈ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਮੈਂ ਪੈ ਵੈਨੀ ਹੁਸੈਨ ਅਦਨ ਅਲੀ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨਾ ਅਬਾਸ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾਤਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਜਾਂ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਔਰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਰੋਮੀਆਂ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਹੱਕਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੈਦ ਅਦੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਆਏ ਅਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਦਰ ਕਿਉਂ ਆਦੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਜਾਸੀ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਅਦਰ ਮੈਂ ਫਿਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਫਿਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ 'ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਦੇ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਹੋ ਕਿਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਅਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਦੇ ਫਿਰ ਇਮਾਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਦਾ ਫਿਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਵੈਨਾ ਹੁਸੈਨ ਅਦਨ ਹੁਕਮ ਕਰ ਹਲ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨ ਮਦੀਨੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਮਾਮਲ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੈਨਬ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਹੱਕੜ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਮੈਂ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਆਵਾਂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੈਦ ਅਦੇ ਕੂਫੇ ਜਾ ਮੌਲਾ ਕੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਹੁਸੈਨ ਅਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚੋਂ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਜਦੋਂ ਖੈਮੇ 'ਚੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੱਸ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਰੁਕਈਆ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੀਏ ਚਾਚਾ ਜਾਇਆ ਰੁੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੂਫੇ ਜਾ ਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਆਦੇ ਰੋਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲਿਆਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾ ਆਈ ਤਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ ਤੜਪ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਅਬਾਸ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਆਖੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਹੋ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਧਵਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਹੈ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਵੀ ਧਵਾਵਣ ਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਵਣ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਧੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਬਦਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਟੁਰ ਕੇ ਅਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੋ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਈ ਇੱਕ ਬੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਸੂ ਹੰਸ ਸੁੱਕਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਘੀਆਂ ਡੇਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਗਰ ਮੋਮਨ ਦੇ ਚੋਹਾਏ ਨਿਕਲੇ ਵੱਡਾ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਚੋਲੇ ਮੈਕੂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੰਜ ਬਟਨ ਖੁੱਲੀਂਦੇ ਨੀ ਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਅਬਾਸ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੱਕੜ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਬਾਸ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤ੍ਰੈ ਸਤਰਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਆਖਰੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਹਾਏ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੈਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪ ਕੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਕੀਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੂਰ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਨਾ ਡੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਵੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਕਹਿ ਨੂੰ ਸਬਰ ਡਿਵਾਵੇ ਸ਼ੀਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਹਾਏ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮੂਸ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਲਫਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰ ਤਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਵੇ ਤੋੜੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਥੀ ਕੈਦ ਬਣੀ ਨਾ ਜ਼ੈਨਬ ਕੈਦ ਕਰਾਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੁੜੋ ਜੁੜੋ ਮਾਤਮ ਦੇ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਡ ਕਰਦਾ
ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਦੀ ਨਾ ਰੋਵੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਇਤਨੀ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਬਈ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਮੋਮਿਨ ਕਬਰ ਇਸ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਦਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਰ ਗਏ ਮੁਸਲਿਮ, ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਕੂਫੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਰੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਤੂਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਰੋਂਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੂਫੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਅਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਦੀ 10,000 ਕਦੀ 20,000। ਫਿਰ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਲਾ ਕੂਫਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਕੂਫੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋਂ ਇਹ ਸਰ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਦਿਹਾੜੇ 6-8 ਦਿਨ ਕਯਾਮ ਅਕੀਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੂਫੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਆਈ, 80,000 ਬੰਦੇ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦਾ ਈ ਮੌਲਾ ਕੂਫੇ ਨਾਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੈਨਬੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਦਾਰ। ਮੌਲਾ ਕੂਫੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਖਲ ਬਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਦਰਦ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਜਾਓ ਤੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਿੰਨਤ ਤੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਨਾਹ ਦੇ ਅਤੇ ਜਦਣ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹ ਤਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਓ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਾਤਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਮ ਦੀ ਸਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਭਣੇਜਾ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੁਦਾ ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗਲੀ ਤੁਰ ਵੱਜ, ਅਸਾਂ ਇਸ ਗਲੀ ਤੁਰ ਵੱਜ। ਬਾਬਾ ਸਗਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਣੇ ਜੇ ਆਏ, ਅਸਾਂ ਰੁਕਈਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਆਈ ਕੂਫੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਥੱਕ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਤੁਰ ਜਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੋਵਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਵਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਘਰ ਆਈ? ਇਹ ਤਵਾ ਦਾ ਘਰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੂਫੇ, ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਿਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਸ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ। ਡਿੱਠਾ ਸੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਆਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਸਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਸੱਲੇ ਇਬਾਦਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਕੀਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਤਵਾ ਡਿੱਠੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਦੀਏ ਜੰਗ 'ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਮੁਸਲਿਮ ਤਲਵਾਰ 'ਚ ਆਈਏ, ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੀਏ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰਦ ਹੋਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੂਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਅਕੀਲ ਦਾ, ਏਡੀ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੀਰੇ ਮੁਸਲਿਮ। ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿਣੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋਂ ਜੇ ਸਿਆਲੀਆ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਦਿਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੰਗ 'ਚ ਅਕੀਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਿੰਡ ਮੱਕਾ ਲਿਆ ਤਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮੁਸਲਿਮ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਹਾਏ ਕਰ ਦੇਵੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਅਕੀਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਵਸਾਏ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਬੇਹਯਾ ਔਰਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਸੱਟਿਆ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਾ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਲੜਦਾ। ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮੁਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਤਰੀ ਦੀ 70 ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ। ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਲੜਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਫੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਏ, ਉਹ ਮੈਥੇ ਯਕਦਮ ਗੁਰਬਤ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਹਾਏ ਕਰੀ ਬਈ ਨਾਲ ਅਲ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਰਬਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ ਲੈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੰਮੀ
ਕਦੀ ਨਾ ਰੋਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਅਕੀਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਹਨ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਵਾਲੇ ਆ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆਦਨ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਆਖ, ਆਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਅਮੀਰ ਹੈ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸਮਝ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ
हौसला हौसला जा मैं छोड़ देना जा मैं छोड़ देना बड़ा मुसाइब इन्हें रस्सियां मंगाई हैं इन्हें मुस्लिम दिया पैर च रस्सियां पाई हैं लाश घोड़े नाल भजावड़ी शुरू की नहीं है डब्बी पर।